हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए मैं आज जितिया व्रत कथा लेकर आई हूं। तो ये 5 भागों में है, मैं एक भाग बना चुकी हूं, उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी। तो दूसरे भाग, तीसरे भाग और चौथे भाग और पाँचवें भाग की कथा आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। कथा सुनने का फल जो है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता है, और कथा सुननी चाहिए, आधी कथा सुनकर नहीं उठना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो अगर वीडियो में आप आ गए तो पूरी कथा ज़रूर सुने, और आज शाम को ये कथा ज़रूर सुने। तो चलिए आज की कथा मैं सुनाती हूँ। तो आज की जो दूसरे भाग की कथा है वो गरुड़ महाराज पर है। आप जब भी कथा सुने तो फूल अक्षत हाथ में ले लें और सर पर पल्लू रख लें, साड़ी का आँचल पल्लू रख ले, उसके बाद कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म से संबंधित हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, धर्म को हम बहुत महत्व देते हैं। तो पूजा पाठ में सर पे पल्लू रखनी चाहिए। तो सुनी सुनाई कथा दादी नानी की मैं आपको सुनाती हूँ। तो गरुड़ भगवान जो हैं वो एक गांव में प्रत्येक बच्चे को कहने का मतलब है कि उस गाँव के एक एक बच्चे को वो नियमित रूप से प्रत्येक दिन आकर ले जाते थे और खा जाते थे। तो इस तरह से गांव में पूरा हाहाकार मचा हुआ था, सब लोग बहुत हाहाकार मचा रहे थे, बहुत दुखी थे। तो इस तरह से गरुड़ देवता का जो प्रकोप है भगवान का, उस गांव पे कहर ढा रहा था। वो बहुत क्रोधित थे, गुस्से थे, उस गांव से बहुत नाराज़ थे, और वो गांव के बच्चों को प्रतिदिन एक बच्चे को ले जाते थे और खा जाते थे, निगल जाते थे। तो इस तरह से एक दिन क्या होता है कि एक बूढ़ी माँ थी, दादी थी, उनके पोते की पारी आई, तो वो रो रही थी, और संयोग से उसी समय भगवान विष्णु जो हैं भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तो वो उस गांव में पहुंचे और उस बूढ़ी माता की जो रोने की आवाज़ थी उससे उनका हृदय मर्मित हो गया, पिघल गया, और वो सोचने लगे कि इस बूढ़ी माँ दादी को क्या दुख है, क्यों रो रही है। तो फिर वो उनके पास वेश बदल के जाते हैं, एक आम आदमी का वेश में, पूछते हैं कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं। तो माता सारी वृत्तांत सुनाती है कि गरुड़ महाराज जो हैं, भगवान जो है, उनका प्रकोप हमारे गांव पे बरस रहा है, और हम लोग बहुत त्राही हैं, बहुत दुखी हैं, हाहाकार मचा हुआ है। गरुड़ देवता आते हैं महाराज और डेली नियमित रूप से एक बच्चे को ले जाते हैं और अपना आहार बनाते हैं, उन्हें निगल जाते हैं, खा जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चों से विहीन होते जा रहे हैं, हम लोग जितने भी माता पिता हैं सब की चेहरे मुरझाए हुए हैं, उदास हैं, हम लोग क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो विष्णु भगवान का दिल पिघल गया, मन पिघल गया, उन्हें बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि हे माता, हे दादी, हे माता, हे नानी, आपके जो भी पोता हैं या पुत्र जो भी हैं वो जहाँ सोता है शयन कक्ष में मुझे ले चलें। तो वो माँ माता ले जाती है तो शयन कक्ष में बोलते हैं कि आप अपने पुत्र या पोता जो भी है आपके उसको आप दूसरे जगह, दूसरे शयन कक्ष में सुलाइए और मैं यहाँ सोता हूँ, और वो वहाँ सो गए। तो इस तरह से नियमित समय पे गरुड़ जो भगवान थे, महाराज थे, वो आते हैं खाने के लिए। तो वो देखते हैं कि कोई सोया हुआ है, तो भगवान इस प्रकार से सोए हुए थे कि उनका मुख नहीं दिख रहा था, उल्टे सोए हुए थे। तो इस तरह से गरुड़ भगवान को पता नहीं चलता है कि ये कौन है, वो सोचते हैं कि एक पुत्र है, बालक है, और इस तरह से वो खाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बायां साइड खाते हैं तो भगवान विष्णु करवट बदल लेते हैं, तो फिर वो बायां साइड भी अपने आप को जैसे कि खाने के लिए परोस रहे हों बड़ी खुशी खुशी से। तो गरुड़ देवता बायां से दाएं साइड भी खाने लगते, दोनों साइड खाने लगते हैं, तो उन्हें शक होता है कि ये कैसा मानुष है, कैसा मनुष्य है जो अपने आप को मुझे खाने के लिए प्रेरित कर रहा है, परोस रहा है, इसे ज़रा सा भी दर्द नहीं हो रहा, कराह नहीं रहनी, तो लोग तो मेरे आने से ही डर जाते थे, कराहते थे, चिल्लाते थे और दूर भागते थे, और ये इनसे, ये तो अपने आप को मुझे सौंप रहे हैं, परोस रहे हैं, इन्हें दर्द भी नहीं हो रहा है, ज़रूर ये कोई आम आदमी नहीं है। फिर वो राम राम करने लगे और पूछने लगे कि हे प्रभु, आप इस वेश में कौन हो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दीजिए, और राम राम का जाप करने लगे। तो फिर भगवान विष्णु जो है वो अपने रूप में आते हैं और फिर
और गरुड़ भगवान से बोलते हैं कि आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं, इस गांव में ऐसा क्या हुआ, कौन सी बात है कि आप इतने कुपित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं और अपने क्रोध के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो फिर गरुड़ भगवान बोलते हैं कि इस गांव की जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, वे लोग जो हैं जितवाहन भगवान की पूजा या जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती हैं, जितिया व्रत नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो तभी से भगवान विष्णु जो हैं वो बूढ़ी माता को बोलते हैं, दादी माता, कि सारे गांव में ये प्रचार कर दें कि आज से इस गांव में जीवित पुत्रिका का व्रत, जितिया व्रत जिसे हम कहते हैं, सारी महिलाएं, सारी माताएं अपने बच्चे की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए रखेंगी। तीसरे भाग की कथा मैं आपको सुनाती हूँ, माँ बेटे की कथा है। एक माँ थी और एक बेटा था। माँ बेटे साथ में रहते थे। गांव में दोनों बहुत गरीब थे। उनके पिता, बेटे का पिता जो थे वो नहीं थे, तो इस तरह से वो ब्रह्म मुहूर्त में ही, रात में ही 3-4 बजे उठकर जंगल जाते, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। बहुत गरीब थे। तो एक दिन क्या होता है, जितिया व्रत का दिन था और जो माँ थी उसे पता नहीं था कि आज जितिया व्रत का दिन है। जितिया व्रत के दिन माँ जो है उसी प्रकार से जैसे वो जीवन यापन करती थी, माँ और पुत्र जंगल को जाते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि एक अजगर आता है और उनके पुत्र को निगल जाता है। तो वो जो बुढ़िया थी, माँ थी, वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है, बेसुध हो जाती है कि ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, और लोगों को इकट्ठा करने लगती, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। तो फिर वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं आज जितिया का व्रत है, क्या आपने व्रत रखा है जीवित पुत्रिका का व्रत? तो वो बोलती, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमें तो व्रत के विषय में कुछ पता ही नहीं है। हम तो रोज़ बचा खुचा जो रात का खाना रहता था, थोड़ा बहुत बचा रहता था, उसी को सुबह बासी खाना खाकर हम लोग जंगल को चले जाते हैं और लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते हैं, लकड़ी को काट कर बेच कर। तो इस तरह हम बहुत गरीब हैं, तो अब क्या करें, मेरे बेटे को कैसे बचाएं? तो फिर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि बासी भोजन आज नहीं करना था आपको, आप बासी, जितिया का व्रत था और आज आप दूसरे दिन बासी भोजन करके आ गई हैं, तो इसलिए शायद आपके साथ ऐसा हो रहा है। तब तक जो गरु देवता थे अजगर के रूप में, उन पे, उनको उसकी माँ पर दया आ जाती है कि इसे मालूम नहीं था कि आज जितिया का व्रत है। फिर वो कहते हैं उस पुत्र की माँ को कि आप जो है मेरा व्रत बड़ी श्रद्धा से, मन करवचन से शुद्ध होकर, अच्छे से नियमों का पालन करते हुए करें जितिया का व्रत, तब आपका बेटा जो है मैं उसे उगल दूंगा और आप दोनों फिर से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे, साथ में रहने लगेंगे, कहने का मतलब। तो माँ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं जब तक जिंदा रहूँगी, जीवित रहूँगी, अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए ज़रूर व्रत करूँगी, और वो व्रत की मन्नत मान लेती है। तो इस तरह से, लेकिन भगवान, गुरु भगवान कहते हैं कि 1 साल तक आपको बिना पुत्र के वियोग में ही रहना होगा। जब आप पुत्र ये व्रत जो है श्रद्धा भक्ति से कर लेंगे, तभी मैं आपको पुत्र आपको सौंपूंगा। तो वो माता जो 1 साल का इंतज़ार करती है, फिर जितिया व्रत का दिन आता है, सुमहरत देखती है और व्रत बड़ी श्रद्धा से करती है, पारण भी करती है। तो जो जितवाहन भगवान, गरुड़ भगवान रहते हैं, उसके बच्चे को उगल देते हैं। जैसे जैसे वो पारण में गर्म पानी मार पीती है, क्योंकि लोग बहुत गरीब थी तो मार पीती है, तो वैसे वैसे उसका पुत्र से मिल जाता है। तो इस तरह से तीसरे भाग की कथा यहीं समाप्त होती है। ताकि मैं चौथी भाग आप लोगों को सुनाती हूँ। तो चौथी भाग में कथा की क्या है कि एक राजा थे, एक नगर में राजा रहते थे। उनकी पुत्री का विवाह जो है वो तय हो चुका था, अपनी वो पुत्री का शादी को जो है वो तय कर लिए थे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पुत्री के शादी के समय ही, दिन ही, इतनी वर्षा हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि जो भी अनाज है वो सूख नहीं रहे थे,
और बारिश के कारण जो बर्तन बनने को दिए गए थे कुम्हार को, जो शादी ब्याह में यूज होता है, वो बर्तन पक नहीं रहे थे और सूख नहीं रहे थे। बारिश के कारण आग लकड़ी मिल नहीं रही थी, सूखी लकड़ी, जिसकी वजह से आग लग नहीं रहा था, और आग नहीं लग रहा था तो बर्तन पकाए कैसे कुम्हार, और बर्तन पकाए नहीं सुखाए कैसे, तो बहुत भारी समस्या थी। तो राजा के सामने कुम्हार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सके कि बारिश की वजह से मैंने बर्तन मैं आपको नहीं पहुंचा पाऊंगा, या मैंने बर्तन नहीं पकाए नहीं सुखाए, मैं क्या जवाब दूंगा। बहुत चिंतित था कुम्हार। और उधर एक जो थी उसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत गरीब थी और उसका एक बच्चा भी था। तो कुम्हार जो है अपने काम की वजह से बहुत चिंतित था। तो एक उसे साधु महात्मा मिलते हैं या गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं जो उसे बताते हैं कुम्हार को कि अगर तुम अपनी भट्टी में एक बच्चे को डाल दोगे, जीवित ही बच्चे को डाल दोगे, तो तुम्हारा सारा बर्तन पक जाएगा और सूख भी जाएगा। उस गांव की ऐसी मान्यता रही होगी या ऐसा कुछ रहा होगा कि भट्टी में अगर जीवित बच्चे को डाल दें तो सारा काम हो जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा, सारे बर्तन मिट्टी के पक जाएंगे और सूख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ जितनी भी बहनें हैं, सखियाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को जितना अधिक प्रेम करती हैं और चाहती हैं, उतना ही अपने आस पड़ोस और दूसरे रिलेशन में भी जो बच्चे हैं या हमारे देश समाज में जो भी बच्चे हैं, सभी को प्रेम करें, दया भाव रखें, ये बहुत ज़रूरी है। दया भाव जरूर रखनी चाहिए। लेकिन वो जो कुम्हार था वो लालच में आ जाता है, अपने बच्चों को तो भट्टी में डालेगा नहीं, सोचता है कहाँ से मैं एक बच्चा लाऊं और अपने भट्टी में डालूं और अपने बर्तन पकाऊं और राजा के सामने अपना सारा काम बर्तन को दिखाऊं, पेश करूं, जिससे राजा खुश होकर मुझे सोने चांदी चाहे बहुत सारे पैसे देंगे और मेरा घर गृहस्थी अच्छे से चलेगा। तो ऐसा सोच कर क्या करता है कुम्हार, उसे पता चलता है उस ब्राह्मणी के बारे में जो एक अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी, बहुत गरीब थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं जो ब्राह्मणी है उसी के बच्चे को लेकर अपनी भट्टी में डाल दूँ, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत गरीब है, आगे पीछे इसका कोई है नहीं और इसके पीछे से कोई बोलने वाला नहीं है, ये लड़ने नहीं आएगी, कुछ बोलेगी नहीं, ये कमज़ोर है। तो आप लोग तो सभी जानते हैं जो कमज़ोर होता है उसे दुनिया और कमज़ोर बना देती है और उसका फ़ायदा उठाती है। तो कुम्हार भी अपने धंधे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने बच्चे को नहीं लेकिन गरीब ब्राह्मणी के बच्चे को क्या करता है, लालच देकर, प्रलोभन देकर, कुछ खिलाने के लिए देकर, ऐसा बोलकर या देकर अपने घर ले आता है और भट्टी में छोक देता है, डाल देता है। इधर ब्राह्मणी बहुत चिंतित रहती है कि मेरा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद गांव वाले उसकी भट्टी पर, कुम्हार की भट्टी पर भीड़ लगा देते हैं। तो क्यों लगा देते हैं, तो ऐसा देखने को प्रतीत होता है कि उस भट्टी में जहाँ आग जो लहक रही थी, दहक रही थी, वो भी भट्टी में उस ब्राह्मणी का बच्चा जो खेल रहा था, हंस रहा था, जैसे मानो कि फूलों की सेज पर हो। तो ऐसा कैसे हो रहा था, यही दृश्य को देखने के लिए गांव के सभी लोग जुट गए और कुम्हार के घर में जो भट्टी थी वहाँ पे भीड़ लग गई। तो ब्राह्मणी भी उस भीड़ को देखने के लिए जाती है कि वहाँ क्यों भीड़ लगा हुआ है। तो वो भी वहाँ जाकर देखती है, तो देखती है कि मेरा बच्चा आग की भट्टी में है, फिर भी मेरा बच्चा जल नहीं रहा है, खुश है और खेल रहा है, मानो उसका शरीर भी ठंडा है, मानो कि वो फूलों के सेज में हो, तो ऐसा हो रहा है। तो गांव के लोग बोलते हैं ये बच्चा किसका है, तब कुम्हार बोलता है कि ये बच्चा ब्राह्मणी का है, ब्राह्मणी बोलती है ये बच्चा मेरा है। तब लोग पूछते हैं हे देवी, तुम कितने मतलब पुण्य प्रताप किए हैं, क्या ऐसा काम किया है कि तो आपका जो बच्चा है वो आग की लपटों में ही, दहकती आग में भी हंस खेल रहा है। तो वो बोलती है कि मैं जो है जीवित पुत्री का जितिया का व्रत करती हूँ और रखती हूँ बड़ी श्रद्धा से, निर्जला उपवास करती हूँ, निराहार उपवास करती हूँ, बड़ी श्रद्धा भक्ति मन क्रमचन से शुद्ध होकर तन मन से बड़ी श्रद्धा से सारे नियमों का पालन करती हूँ और ये व्रत करती हूँ। तो जितवाहन भगवान की मैं पूजा करती हूँ उस दिन, इस तरह से मैं व्रत करती हूँ, सारे व्रत की विधि विधान बताती है, इसलिए जितवाहन भगवान जो है मेरे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो जितनी भी
महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, मेरी बहनें हैं, सखियां हैं, वो जान लें कि ये व्रत जो है अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और उनकी प्राणों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो आप भी नियम धर्म अच्छे से जान लें, समझ लें और इस पूजा को बड़ी श्रद्धा से, तन मन धन से करें और बड़ी निष्ठा भाव से। जब हम निष्ठा भाव से भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें भूख प्यास ऐसे ही नहीं लगती है और दिन पार हो जाता है। तो बस जितहन भगवान की आप कामना करें अपने मन में और उन्हें याद करें और उनसे प्रार्थना करें और पूजा विधि विधिवत करें। तो कथा यहीं समाप्त होती है। तब से गांव की जितनी भी स्त्रियां थी वो भी व्रत करने के लिए संकल्प लेती है, मन्नत करती हैं और व्रत करती हैं। तो इस तरह से चौथा भाग भी कथा भी समाप्त होती है। जय जितवाहन भगवान की जय। अरियर बरियार का पौधा के सामने जो अरियर बरियार की पौधा का पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो करते हैं। तो अरियर बरियार का पौधा में जो पूजा करने की विधि मैंने एक वीडियो में बताई है, आज ही मैंने वो वीडियो अपलोड की, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी, तो देखें। और उसमें पूजा के बाद हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेते हैं, पल्लू रखते हैं सर पे, सारी कांचल रखते हैं। उसके बाद जो है एक चौपाई बोलते हैं अपने पुत्र का नाम लेकर, जैसे मेरे पुत्र का नाम पवन है तो मैं उसी नाम से आपको ये चौपाई सुनाती हूँ। आप भी के अगर यहाँ अरियर बरियार की पौधे की पूजा होती होगी तो आप ऐसा करें, अन्यथा आप सिर्फ सुने करें वही जो आपके यहाँ पूर्वज शुरू से करते आए हैं। तो चौपाई मैं सुनाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी है, तो सुनिए ध्यान से। ए अरियार का बरियार, जाए के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि पवन की मम्मी जीतिया भूखी है, मारे यही महाराज नहीं रेन जीत के घर चली आई हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का व्रत सफल हो। जय जितवाहन भगवान।